नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। भोपाल नगर निगम की एक और बड़ी लापरवाही। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से करूण देवकी नगर वार्ड नंबर 77 7 दुकानों के इधर नालियां साफ नहीं की गई, जिसके नतीजे स्वरूप नालियां भी उफान पर आ गई है, जहां अब रोड और गलियां नहीं तालाब नजर आता है। गंदे पानी का आमजन को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल का करोत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक घनी आबादी नज़र आती है, मगर कहीं ना कहीं साथ में नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इन दिनों पिछले एक हफ्ते से यहाँ की लगभग नालियाँ साफ नहीं हुई हैं। भैया, आपको बता दें कि देवकी नगर वार्ड नंबर 77 में नालियों की अब ये हालत हो गई है। सफाई ना होने के कारण नालियों का पानी अब रोडों पर आ गया है। लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और कोई ध्यान नहीं दे रही है। बात करें तो नगर निगम का जो कर्तव्य है, नगर निगम प्रशासन और नगर निगम के आला अधिकारी इसको नहीं निभा रहे हैं, जिसके खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी, जिस तरह से नगर निगम भोपाल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर वन बनाने में लगा हुआ जुटा हुआ है, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी सपना है राजधानी भोपाल को नंबर वन लाना है, मगर इस तरह की लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं और भोपाल को पीछे और पीछे पीछे ढकेलती जा रही हैं। देखना होगा क्या निर्णय लिया जाता नगर निगम प्रशासन की ओर से देवकी नगर के रहवासियों के लिए। क्या यहाँ पे कोई साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा नगर निगम द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जय किशन शाकिया के साथ भोपाल से केकेआर न्यूज़ के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। करूण देवकी नगर वार्ड नंबर 77 की गलियां कुछ इस तरह झील में तब्दील हो गई है, जिससे आमजन को आने जाने में काफी तकलीफ उठाना पड़ रहा है। वही इस तरह का गंदा पानी एक रिहायशी क्षेत्र में होना बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। ये नज़ारा है करूण देवकी नगर 7 दुकानें वार्ड नंबर 77 का, जहां नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। इसकी शिकायत आसपास के रहवासी एवं दुकानदार कई बार वार्ड कार्यालय में कर चुके हैं, मगर नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। शायद यही कारण है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भोपाल नंबर वन नहीं आ पा रहा है इन्हीं लापरवाहियों के चलते। कहना चाहते हैं साहब, जी गंदगी बहुत ज्यादा है। एक हफ्ते से चेम्बर और गलियां पूरी भरी हुई है साहब, ना साफ सफाई हो रही, ना नगर निगम सुन रही है, खबर पूरी दे चुके हुए, कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर गलियां वो पूरी पे रोड बह रहा है, और बच्चों को भी तबीयत खराब हो रही है, और सर्दी जुकाम हो रहा है, और बुखार आने का संभावना है साहब। हर तरीके से आदमी बीमार है, पब्लिक परेशान है, भान परेशान है, कपड़ों पे पानी उछल रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, बच्चों को कपड़े बिगड़ रहे हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं साहब, सब कुछ मतलब ऐसे। तो इसमें आप क्या चाहते क्या है, मतलब नगर निगम से आप चाहते क्या है? नगर निगम से हम ये चाहते हैं कि नगर निगम आपका कार्रवाई से अच्छे से काम करे, नलियों की साफ सफाई गंदगी अच्छे से करे, क्लियर साफ सफाई सुथरा दिखना चाहिए। मुझे पानी चैम्बरों में भरा नहीं दिखना चाहिए साहब, रोडों में पानी भरा हुआ है साहब, इससे मोहल्ला परिवार को सबको मतलब दिक्कत हो रही है सर। ये 8 दिन से तो भे रही है, मेरे कस्टमर कोई भी नहीं आ पा रहा है यहाँ से। कहते हैं मेरे भाई नवाज वाले हैं, हम लोग कौन आएंगे यहाँ, तो अब मैं क्या करूँ सर। जिससे मैंने 8 दिन से, मैंने 3 दिन पहले दुकान बंद करके रखी थी मैंने, इसी चक्कर में करी थी, नगर निगम को फोन लगाया, हेल्पलाइन पे भी फोन करा मैंने, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये आप कितने दिन से ये मंजर देख रहे हैं? कम से कम ये 1.5 हफ्ता हो गया। अच्छा, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही सर। आपने नगर निगम में कराए? करी है, करी है। ठीक है, और आप सीएम हेल्पलाइन पे? सीएम हेल्पलाइन पे करी आप, आज से 8-15-20 दिन पहले करिए। अच्छा, यही मंजर हो रखा है, नालियां बिल्कुल ऐसी चौक है, कोई ग्राहक नहीं आ रही है। देखो तो पूरा पानी के मारे हमारा एम्बुलेंस वो है मियां भाई इलाका है, हम लोग के यहाँ कोई नहीं आ पा रहा है, वो पूरी पानी से डरते हैं, वो नवाजी है सर। ये जो है एक हफ्ते से ऐसे ही पानी फैल रहा है, गाड़ियाँ निकलती है, सीटों आती जाती है, सीटों पूरे दुकान के अंदर तक जाते हैं हमारे, और इसी चक्कर में ना कोई कस्टमर आ पा रही है, गंदगी बहुत हो रही है, स्मेल भी आ रही है बहुत। और जो एक नगर निगम में भी कंप्लेंट करी थी, तो उधर से भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, ना कोई देखने आया, और सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने कंप्लेंट करी थी, कोई नहीं। आप कितनी बार मतलब है तो नगर निगम को और सीएम हेल्पलाइन पे बता चुके हैं? सर एक बार तो मैंने खुद फोन लगाया था, बाकी और मोहल्ले वालों ने फोन लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक।
और उसके अलावा यहाँ कस्टमरों के आने में भी दिक्कत आ रही है सर। दुकान हुई है हमारी, पीछे मोहल्ला है, गंदगी वो फैली हुई है, बच्चे भी हैं बीमार, दुखी भी फैल रही है, बीमारियाँ भी फैल रही है। बहरहाल करूम वार्ड 77 देवकी नगर निवासी गंदी नालियों के पानी से जूझ रहे हैं। नगर निगम इस ओर रुख नहीं कर रहा है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।